एमएस एक्सेल के आज के अध्याय में हम सीखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग करके टेक्स्ट वैल्यूज के आधार पर सेल्स के कलर को चेंज करना। आप यहां पर देखेंगे इस डेटा टेबल में प्रोडक्ट वाइज परचेज रेट और सेल रेट दिए गए हैं, कौन सा प्रोडक्ट कितने का खरीदा गया और कितने का बेचा गया। उसी के आधार पर यहां पर रिमार्क्स दिए गए हैं, प्रोडक्ट यदि प्रॉफिट में बेचा गया तो प्रॉफिट, लॉस में बेचा गया तो लॉस, और यदि प्रोडक्ट जितने का खरीदा गया उतने का ही बेचा गया तो नो प्रॉफिट नो लॉस। और यहां पर आप देखेंगे रिमार्क्स के आधार पर सेल्स के कलर भी चेंज हो रहे हैं। इसके लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग किया गया है। जिस सेल में प्रॉफिट लिखा होगा उस सेल का कलर होगा ग्रीन, और जिस सेल में लॉस लिखा होगा उस सेल का कलर होगा रेड, और जिस सेल में लिखा होगा नो प्रॉफिट नो लॉस उस सेल का कलर होगा येलो। आप यहां देखेंगे सेल के अंदर यदि रिमार्क चेंज होगा तो सेल का कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। यहां पर देखिए प्रोडक्ट 1 34 रुपीज का परचेज किया गया और 35 में सेल किया गया, यानी इस पर प्रॉफिट हुआ, तो यहां रिमार्क आया है प्रॉफिट। अब यदि हम ये प्रोडक्ट 1 को लॉस में सेल करते हैं, यानी 34 का परचेज किया गया है, और यदि हम इसे 30 का सेल करते हैं तो यहां पर रिमार्क चेंज हो जाएगा। जैसे हम यहां कर देते हैं 30, एंटर करते हैं तो देखिए क्योंकि प्रोडक्ट लॉस में बेचा गया तो यहां पर रिमार्क आ गया है लॉस, और जैसे ही रिमार्क चेंज हुआ है तो सेल का कलर भी ऑटोमेटिकली चेंज हो गया है। ये रिमार्क को ऑटोमेटिकली चेंज करने के लिए हमने यहां पर इफ फंक्शन का उपयोग किया है, ये आप यहां पर देख सकते हैं। यहां प्रोडक्ट 5 में आप देखेंगे ये प्रोडक्ट 90 का परचेज किया गया और 40 का बेचा गया, यानी लॉस में बेचा गया। अब यदि हम इसको प्रॉफिट में सेल करते हैं, ये सेल रेट को हम 40 की जगह 100 कर देते हैं, तो आप देखेंगे सेल में रिमार्क चेंज हो गया है, लॉस की जगह प्रॉफिट आ गया है और सेल का कलर हो गया है ग्रीन। अभी यदि ये सेल रेट को हम यहां पर 90 कर देते हैं, यानी प्रोडक्ट जितने का परचेज किया गया उतने का ही सेल किया गया, तो यहां पर जो रिमार्क आएगा वो आएगा नो प्रॉफिट नो लॉस, और उसका कलर भी ऑटोमेटिकली येलो हो जाएगा। एंटर करते हैं, ये आप यहां पर देख सकते हैं। मैनुअली भी जिस भी सेल का आप रिमार्क चेंज करेंगे तो सेल का कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। जैसे यहां पर मैनुअली हम लॉस की जगह टाइप कर देते हैं प्रॉफिट, एंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं यहां पर हमने मैनुअली प्रॉफिट टाइप किया तो यहां पर ग्रीन कलर हो गया है सेल के अंदर। अब इसी सेल में हम टाइप कर देते हैं लॉस, एंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं सेल का कलर हो गया है रेड। इसी सेल में हम टाइप कर देते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस, एंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं सेल का कलर येलो हो गया है। ये सब कैसे संभव है आइए देखते हैं। यहां पर हमने सेम डेटा टेबल लिया है, हम यहां चाहते हैं कि सेल्स के टेक्स्ट के आधार पर सेल का कलर चेंज हो जाए। जिस सेल में प्रॉफिट लिखा है उस सेल का कलर हो जाए ग्रीन, जिसमें लॉस लिखा है उसका कलर हो जाए रेड, और जिस सेल में लिखा है नो प्रॉफिट नो लॉस उस सेल का कलर हो जाए येलो। इसके लिए हम यहां पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग करेंगे। सबसे पहले हम इन सेल्स को सेलेक्ट कर लेंगे और यहां होम टैब के अंतर्गत कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक करेंगे। यहां पर मैनेज रूल्स पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक छोटा विंडो आ जाएगा। अब हम यहां पर न्यू रूल पर क्लिक करेंगे और यहां रूल टाइप में हम सिलेक्ट करेंगे फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन। नीचे यहां पर सेल वैल्यू की जगह हम सिलेक्ट करेंगे स्पेसिफिक टेक्स्ट। जैसे ही आप यहां पर स्पेसिफिक टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे तो यहां इस सेल में कंटेनिंग ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहां पर उस टेक्स्ट को टाइप कर देंगे जिस टेक्स्ट वाली सेल को आप कलर करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर टाइप करेंगे प्रॉफिट। तो कंडीशन अब हमारी यह है कि जिस सेल के अंदर प्रॉफिट लिखा हो उस सेल की फॉर्मेटिंग कुछ इस तरह से हो जाए। यहां फॉर्मेट पर
क्लिक करेंगे और यहां से हम कलर चूज करेंगे, जो भी कलर आप सेल में रखना चाहते हैं। तो हम यहां चूज कर रहे हैं ग्रीन कलर। अब यहां फॉन्ट पर क्लिक करेंगे, हम फॉन्ट का कलर रखना चाहते हैं व्हाइट, तो यहां से व्हाइट पर क्लिक कर देंगे और फॉन्ट करेंगे बोल्ड। यहां से ओके करेंगे तो देखिए नीचे प्रीव्यू आ गया है, इस तरह से सेल हाईलाइट होगी। यहां से ओके कर देंगे। अब देखिए एक रूल आ गया है यहां पर प्रॉफिट के लिए, यानी जिस सेल में प्रॉफिट लिखा होगा वो सेल कुछ इस तरह से हाईलाइट होगी। अब यहां पर फिर से न्यू रूल पर क्लिक करेंगे, वापस फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन पर क्लिक करेंगे और यहां पर फिर से स्पेसिफिक टेक्स्ट, और अब यहां पर टाइप करेंगे लॉस, फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे, यहां फिल पर क्लिक करेंगे और कलर चूज कर लेंगे, क्योंकि ये कलर सेलेक्ट कर रहे हैं हम लॉस के लिए, तो हम यहां पर रेड कलर सेलेक्ट करेंगे। फॉन्ट पर क्लिक करेंगे, फॉन्ट यहां से ले लेंगे हम व्हाइट और यहां से बोल्ड कर देंगे। यहां से ओके करेंगे, ये देखिए प्रीव्यू आ गया है, ओके करेंगे, फिर से न्यू रूल पर क्लिक करेंगे, फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन पर क्लिक करेंगे, यहां फिर से स्पेसिफिक टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहां अब हम टाइप करेंगे नो प्रॉफिट नो लॉस, फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे, फिल पर क्लिक करेंगे, यहां हम सिलेक्ट करेंगे येलो कलर, फॉन्ट पर क्लिक करेंगे, फॉन्ट इसका हम लेते हैं ऑटोमेटिक, बोल्ड करेंगे और ओके कर देंगे, यहां से भी ओके करेंगे। अब देखिए तीनों रिमार्क्स के लिए हमारी कंडीशंस तैयार हो गई हैं, प्रॉफिट के लिए भी, लॉस के लिए भी और नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए भी। यहां से हम ओके कर देंगे। जैसे ही आप ओके करेंगे तो देखिए रिमार्क्स के आधार पर सेल का कलर चेंज हो जाएगा। अब जैसे ही आप रिमार्क्स चेंज करेंगे, यानी सेल के टेक्स्ट को चेंज करेंगे, तो सेल का कलर भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ये देखिए प्रोडक्ट वन को जो 34 रुपीस का परचेज किया गया और 35 में सेल किया गया। अब हम इसको यदि लॉस में सेल करते हैं, 35 की जगह हम इसको सेल करते हैं 30, एंटर करते हैं, तो देखिए जैसे ही यहां पर रिमार्क आया लॉस, तो सेल का कलर भी ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। यहां पर आप रिमार्क्स को मैनुअली भी चेंज कर सकते हैं। हम जैसे यहां पर टाइप कर देते हैं प्रॉफिट, एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं जैसे ही हमने एंटर किया तो सेल का कलर हो गया ग्रीन, क्योंकि हमने ग्रीन कलर के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई थी। यहां प्रोडक्ट 3 में आप देखेंगे ये प्रोडक्ट 76 का परचेज किया गया और 36 में सेल किया गया, यानी लॉस में सेल किया गया। हम इसको सेल कर देते हैं 76 का ही, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस में, एंटर करेंगे तो देखिए जैसे ही सेल का रिमार्क चेंज हुआ तो सेल का कलर भी चेंज हो गया है। यह रिमार्क्स आप मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं, जैसे अभी हम यहां पर टाइप कर देते हैं लॉस और एंटर करते हैं तो आप देखेंगे सेल का कलर हो गया है रेड। इस सेल में हम टाइप कर देते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस, एंटर करेंगे तो आप देखेंगे सेल का कलर हो गया है येलो। तो इस तरह से कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग करके बड़ी आसानी से आप सेल के टेक्स्ट के आधार पर सेल के कलर को चेंज कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। ईश्वर से प्रार्थना है इस संकट के समय में आप सभी सुरक्षित रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें।